पॉल्यूशन। मेरे पास इस वीडियो में इस प्रदूषण से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं। हाँ, ज्ञान नहीं, आंकड़े हैं। ये आंकड़े अच्छे से देखकर समझ लीजिए, अगली बार ज्ञान देते वक्त थोड़ा काम आएंगे। वैसे पॉल्यूशन सुनते ही आपके ज्ञान की जो अविरल धारा है वो उफान मार मार कर और हिचकोले मारते हुए बाहर आने को बेताब हो जाती होगी। ज्यादातर लोग पर्यावरण के मसलों पर मुफ्त में ज्ञान की उल्टियां करते हैं। त्योहारों पर पटाखे ना फोड़ने की मुफ्त की सलाह बांटते फिरेंगे, होली पर पानी ना बर्बाद करें ये भी ज्ञान चेंप देंगे। पर आप में से मात्र कुछ प्रतिशत लोग ही होंगे जो पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से चिंतित हैं या होंगे। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दावे से कैसे बोल रहा हूँ। तो ऐसा है, मेरे दावों में दिल्ली के वो आंकड़े हैं जिसने पूरे दिल्ली के पर्यावरण की ऐसी तैसी कर रखी है। अब जो बताने जा रहा हूँ उसे जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि पर्यावरण के दूषित होने के लिए आप और हम कितने जिम्मेदार हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सिर्फ ट्रांसपोर्ट से साल 2010 में 25.4% प्रदूषण फैलता था, जो साल 2018 में बढ़कर 41% हो गया। वहीं दिल्ली में साल 2010 में इंडस्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण 17.6% का था, जो साल 2018 में बढ़कर 18.6 हो गया। रेसिडेंशियल इलाकों से फैलने वाले प्रदूषण की बात करें तो साल 2010 में ये आंकड़ा 22.7% का था, जो साल 2018 में सिर्फ 3% रह गया। और यही नहीं, अगर डस्ट से फैलने वाले प्रदूषण की बात करें तो साल 2010 में 27.7% था, जो कि साल 2018 में घटकर 21.5% रह गया है। अब डस्ट का मतलब सिर्फ वो धूल भरी आंधियां नहीं, डस्ट जो सड़क पर उड़ती है, ट्रैफिक से, कंस्ट्रक्शन से, हाँ, झाड़ू मारने से भी जो सड़क के किनारे धूल उड़ती है वो डस्ट में ही गिनी जाती है। तो देख रहे हैं ना, हर एंगल से हम पर्यावरण को दूषित करने की कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे अभी दिल्ली से सटे आसपास के राज्यों के किसान पराली भी जलाएंगे और उससे उठने वाले भयंकर धुएं का प्रकोप दिल्ली वालों को भी झेलना होगा, और साथ ही साथ पर्यावरण की जो बची कुची लंका है वो तो लगेगी ही। आप पटाखों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहेगा, उस पर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बहस हो सकती है, क्योंकि कहीं तो शायद लिखा रहा होगा कि त्यौहार पर पटाखे नहीं फोड़ो तो धर्म का अपमान हो जाएगा। तो क्या हुआ जो उस पॉल्यूशन से दम घुटने की नौबत आ जाए। त्यौहार का मान सम्मान करना जरूरी है, पर्यावरण का मान सम्मान तो होता रहेगा। अब बात करते हैं ट्रैफिक से होने वाले पॉल्यूशन की। उम्मीद ही कर सकते हैं कि जागरूकता की जो लालटेन है आज नहीं तो फिर कभी जलेगी, पर जलेगी जरूर। अब जरा दिल वालों की दिल्ली में देखिए कैसे उनके शौक ने पर्यावरण की रेड़ मार दी है। दिल्ली में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या है करीब 1,09,086,015, यानी करीब 1,09,00,000। मतलब इतनी गाड़ियां सड़कों पर ताबड़तोड़ प्रदूषण बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। अब दिल्ली में सिर्फ कार और जीप के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लीजिए। ये जो आंकड़े हैं ये हैं करीब 32,46,637। यही तो है लाट साहबी, घर में रहने वाले एक हैं और गाड़ियां चार हैं। अब कई लोग मेरी बात से शायद सहमत ना हों, पर कई घरों में माँ अलग गाड़ी से, पिता अलग गाड़ी से, और बेटी अलग गाड़ी से, और बेटा अलग गाड़ी की सवारी कर रहे हैं, और ऐसे लोग पर्यावरण बचाने का ज्ञान भी देंगे। दो कदम पैदल चलने वालों के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले लाट साहबों की कमी नहीं है। अब ऐसे में पर्यावरण तो दूषित होगा ही ना। दिल्ली में मोटरसाइकिल और स्कूटर की संख्या है करीब 70,78,428। मतलब भयंकर ट्रैफिक का एक कारण ये भी है। इनमें से तो कई सिर्फ शौक के लिहाज से बाइक पर निकलते हैं। दिल्ली में एम्बुलेंस करीब 3,220 है। वहीं अगर बात ऑटो रिक्शा की करें तो ये आंकड़ा है 1,13,000 का। 1,18,000 के करीब टैक्सी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। वहीं बसों की संख्या की बात करें तो 35,285 बसें सड़कों पर है। वहीं दूसरे अन्य वाहनों की बात करें तो वो 76,321 हैं, और ट्रैक्टर, ट्रक और वाहन ढोने वाले अन्य प्रकार की गाड़ियों की संख्या है करीब 3,15,000। तो दिल्ली के प्रदूषण को प्रदूषित करने में चार चांद लगा रहे हैं ये सारे वाहन। ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि दिल्ली में वाहनों का क्या हाल है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि 25% ट्रक प्रदूषण फैलाने में काफ़ी अहम रोल निभा रहे हैं, 18% टू व्हीलर ऐसे हैं जो प्रदूषण की ऐसी तैसी कर रहे हैं, और 15% पर्सनल कार है जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। अब अगर इन ज्ञानियों को कुछ समझ आ जाए तो दिल्ली वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अब बात जरा PM2.5 और PM10 क्या है और कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्या है ना कि PM2.5 और PM10 हवा में मौजूद इतने छोटे कण होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इन कणों का स्तर हवा में बढ़ता है तो इंसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आँखों में खूब जलन होगा,
अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो भैया देखो, ऐसा है, दिल्ली में PM 2.5 बढ़ने के 4 प्रमुख कारण हैं, जिनमें रोड डस्ट पहला है। सड़कों पर जो धूल इकट्ठा है और भारी मात्रा में उड़ती रहती है ना, उसके कारण करीब 38% प्रदूषण फैल रहा है। वहीं दूसरा कारण है व्हीकल। जी हाँ, ज़्यादातर लोग मेट्रो और बसों को छोड़कर अपने अपने निजी वाहनों को सड़कों पर उतार लेते हैं और इन गाड़ियों से करीब 20% प्रदूषण फैल रहा है। डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग के कारण 12% और इंडस्ट्रियल कारणों के चलते 11% प्रदूषण फैल रहा है। वहीं बात PM10 की अगर करें तो रोड डस्ट के कारण करीब 56% प्रदूषण फैल रहा है। कंक्रीट बैचिंग के कारण 10%, इंडस्ट्रियल पॉइंट सोर्स के कारण 10%, व्हीकल के कारण 9% और अन्य सोर्सेस के कारण 15% प्रदूषण फैल रहा है। ऐसे में अब आप लोगों से बस यही उम्मीद की जा सकती है कि सिर्फ ज्ञानबाजी और सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी पोस्ट डालने से पर्यावरण की समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता है। अब वक्त आ गया है जब हमें मजबूत एक्शन और ठोस नीतियों के साथ पर्यावरण बचाने की मुहिम का आगाज करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको सड़कों पर उतरना होगा, आप इसकी शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।